अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज की वाड़ी वीडियो आज की हमारी वीडियो ये एक्सेलेंट पर है। ये है मिनसेट किलर, ये चल नहीं रहा। आप ये देख सकते हैं हमने वो प्लग लगाया हुआ है और इसका ये देखें स्पार्क आपको मैं चेक करवाता हूँ, करंट इसमें ऑन है। वो देखें मैं लगाने लगा हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा स्पार्क इसका, इसका मतलब ये देखें स्पार्क इसका काम कर रहा है, करंट इसमें चालू है लेकिन ये चल नहीं रहा। सबसे पहले आपने क्या करना है इसके रॉड चेंज करके देख ले। रॉड मैं नए लेके आया हूँ, ये 1 फुट 10 वाट के रॉड है ब्लू कलर के, और ये इसके स्टार्टर लाजमी चेंज किया करें। आपको मैंने पहले वीडियो में ही बताया हुआ, मेरे लिंक पे है, इसके स्टार्टर लाजमी चेंज किया करें। ये S2 के स्टार्टर है, फिलिप्स का एक नंबर लीजिएगा फिलिप्स। ये देखिए मैं आपको पास ला के दिखा देता हूँ, ये देखिए फिलिप्स वालों के ओरिजिनल स्टार्टर है। ये 80 रुपीज़ के आते हैं पाकिस्तानी प्राइस के मुताबिक, और ये रॉड कोई 150 का देता है, कोई 200 का देता है। ये डिफरेंट कंपनी के होते हैं, हर किसी की अपनी अपनी प्राइस होती है, वो आप अपनी मर्ज़ी से ले लें जो आपको अच्छे लगते हैं। अब आपने क्या करना है इसको चेंज करने से पहले, चेंज करने के लिए आपको पहले क्या करना है, ये देखिए जिस साइड पर इसके रॉड है उस साइड को आपने खोलना है। ये दो पेज खोल के मैं अभी आपके पास हाजिर होता हूँ। ये आप देख सकते हैं दोनों पेज खुल चुके हैं हमारे, ये और ये कवर हमारा ऊपर को आ चुका है। आपने ये एक बात याद रखिएगा, जब भी ये आपने चेंज करना है इसका आपने पीछे से करंट बंद कर लेना, प्लग में से ये शू निकाल लेना है, ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि इसमें स्पार्क होता है। और जब भी आप चेंज करने लगे तो इसको एक दफ़ा ये देखें, ये पेचकस के साथ आपस में टच करके देख लेंगे इसमें करंट तो नहीं है, तसल्ली के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ये देखें, ये मेरे हैंड देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा आपने इस तरफ को घुमाएंगे तो ये रॉड ये बाहर आ जाएगा, थोड़ा सा घुमाएंगे तो वो ये जब इसकी साइड पर आ जाएगा पूरा वो बाहर आ जाएगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मैंने घुमाया, ये साइड आ गई सामने, आपने सीधा इसको ऊपर को खींच लेना। ये रॉड चेंज करने से पहले आपको मैं बार बार बताता हूँ हर वीडियो, ये देखें मेरी ये तीसरी वीडियो है इसके ऊपर, एक अल्ट्रेशन की भी वीडियो है, आपने इसके स्टार्टर लाजमी चेंज करने हैं, ठीक है, जब रॉड चेंज करें तो। न्यू रॉड लगाने से पहले आपने इसके स्टार्टर लाजमी चेंज करने हैं। इसका स्टार्टर का नाम S2 का स्टार्टर है, फिलिप्स वालों का ले लीजिएगा S2 का स्टार्टर, ठीक है। प्राइस आपको मैंने बता दी है पहले ही। अब इसके अंदर आपने रॉड भी ऐसे ही लगा लेना, ये देखे नया रॉड, मैं इसको इसके अंदर आपको इस तरह दिखाता हूँ। इस साइड पे भी आपने ये देखे, इस तरफ से भी आप ये देखे सीधा लगा लेना, इसको आप पंच करके इसको थोड़ा सा आपने घुमा देना। इसके बाद एक रॉड हमारा लग चुका है, अब हम इसको दूसरा रॉड लगाएंगे, ये हमारा दूसरा रॉड, ये इसमें आपने नए वाले रॉड लगा रहे हैं। जिससे भी आप रॉड लेके आएंगे वाले चेक करके लाइएगा, लाजमी चेक करवा के लेके आइएगा, ऐसे ना लाइएगा। अब ये देखिए ये रॉड हमारे लग चुके हैं, अब इसका प्लग हम लगाते हैं, इसके प्लग में ये देखें हमने प्लग लगाया, इसका ऑन ऑफ ये देखें, ये जो लाइन वाली साइड होती है इस तरफ करना है आपने ऑन ऑफ। ये देखें हमने ये रॉड लगाया लेकिन ये कुछ वर्क नहीं कर रहा, करंट आपको मैं चेक करवा देता हूँ, ये देखें करंट आ रहा है इसमें। अब आपने क्या करना है इसका प्लग उतार लेना, क्यों नहीं चल रहा इसका। अब हाल एक ही है कि आपने इसको खोल के चेक करना है, इसका करंट उतारने के बाद अब आपने क्या करना है इसको ऐसे ही बंद करके इस साइड वाले दो ये पीएच आप या आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखें 1 2 और ये तीसरा पेच, यहाँ से खोल के आपके पास मैं हाजिर होता हूँ अभी। ये आप देख सकते हैं ये हमारे पेच खुल चुके हैं, अब आपने इसको सीधा ऐसे रख लेना है और इसको ये देखेंगे कवर को आपने हल्का सा इस तरफ को ये इस साइड को आपने पंच करना है, ये बाहर आ जाएगा, ये कवर को आपने साइड पे कर लेना है। अब आपने इसकी चोक को चेक करना है, इसकी चोक ये होती है, ये स्पार्क करंट वाला होता है और ये इसकी चोक है, इसकी चोक लगी हुई है, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखें 2/10 वाट, मतलब कि ये 2 रॉड चलाएगी 10 वाट के, बस ये 20 वाट की होगी, 25 वाट की होती है वैसे लिखा, ये 20 वाट की होता है वैसे, लेकिन इसको आप 25 वाट तक भी लगा सकते हैं, ठीक है, दो के 2 रॉड चलाने हैं आपने। अब आपको इसको चेक करने का तरीका, अब मैं आपको अब चेक करने का तरीका बता देता हूँ, आप घर में खुद भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास घर में
टेस्टर होना चाहिए। जैसे अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें मेरे पास ये टेस्टर है, आपने घर में टेस्टर ले लेना। और ये देखें ये जो चौक के दो पॉइंट है, एक इस साइड वाला एक उस साइड पे, आपने इसको लगाना है इस तरह। इसके अंदर आप इसके अंदर लगाएंगे, ये देखें ये एक साइड पे जल रहा है टेस्टर, अब आपने दूसरी साइड पे लगाना है। ये देखें इसको, ये दूसरी साइड पे, ये आप देख सकते हैं हमारा फॉल्ट आ चुका है भाई। ये देखें ये मैं एक साइड पे लगा रहा हूँ, टेस्टर नहीं जल रहा, लेकिन दूसरी साइड पे ये देखें टेस्टर फुल जल रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका जो ये करंट है एक साइड पे पूरा, अगर ये दोनों साइडों पे ये देखें, एक साइड पे ज़्यादा जलेगा टेस्टर और एक साइड पे कम जलेगा ना, ये जलना चाहिए, थोड़ा सा भी जलेगा ना तो समझ ले चौक आपकी ठीक है। अगर नहीं जल रहा तो इसका मतलब ये चौक ख़राब है। अब आपने इसमें चौक चेंज करनी है, चौक मेरे पास पड़ी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ये 25 वाट की चौक है, ये आप देख सकते हैं, मैं पास ला के दिखाता हूँ, 25 वाट, ठीक है। ये फिलिप्स की चौक है, ये आप देख सकते हैं, फिलिप्स ब्रांड फिलिप्स की चौक है। आपने 25 वाट की चौक ढूंढनी है, इसमें जो लगेगी 25 वाट की लगेगी। अब मैं इसके अंदर पहले 25 वाट की चौक फिक्स कर लूँ, ये दो स्क्रू खोल लें आपने, ये देख सकते हैं आप, और ये चौक बाहर आ जाएगी। मैं चौक फिट करके आपके पास हाजिर होता हूँ। ये देखें चौक हमारी बाहर आ चुकी है। आपकी तसल्ली के लिए इसको साथ ले जाइएगा, जिसको चौक जिससे खरीदनी है आपने इसको साथ लेके जाना है और उसे कहना ये मेरे इनसाइड किलर के अंदर लगी हुई है और इसके साथ की चौक 25 वाट तक दे दें, जैसे ये चौक पड़ी है, और उससे चेक भी करवा लीजिएगा आपकी तसल्ली के लिए। अगर आपको चेक करना नहीं आ रहा तो आप उतार के उसके पास ले जाएं और उससे चेक करवा लें, ठीक है। और ये देखें अब इसके अंदर हम ये फिक्स करेंगे इस यहाँ पे, ये देखें दोस्तों हमारी चौक फिक्स हो चुकी है। अब इसका हम प्लग लगा के देखते हैं ये ऑन होता है कि नहीं। ये मैं आपके सामने प्लग लगा रहा हूँ, ये देखें वो स्टार्टर जल गए, ये देख सकते हैं आप, ये हमारी ट्यूबलाइट बिल्कुल वर्क कर रही है। हमारा फॉल्ट क्या निकला आप देख सकते हैं, हमारा फॉल्ट निकला चौक का, ठीक हो गया आप देख सकते हैं। अब हम इसको बंद करके आपको एक दफ़ा फिर चेक करवाते हैं। अब इसको मैं क्लोज़ कर लूँ, इसका कवर वगैरह लगा लूँ और इसके बाद आप फिक्स कर सकते हैं। अगर आपको समझ ना आए ये तारे तुरे उतार लें तो इसकी तस्वीर उतार लिया करें, आपको याद रहे। ये वैसे दो ही तारे लगती है इसके अंदर चौक के अंदर, और ये देखिए हमारी बिल्कुल ओके वर्क कर रही है, ठीक है। अभी मैं इसको बंद करके आपको दोबारा चेक करवाता हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं हमने ये दो पेच भी लगा दिए हैं, इसको पूरा बंद कर दिया है, ठीक है, अच्छे तरीके से। अब हम इसका प्लग लगाते हैं, ये देखें ये हमारा प्लग लग गया। अब उसके बाद हम इसको स्विच को ऑन करते हैं, बिस्मिल्लाह। ये देखें ये आप देख सकते हैं हमारा बिल्कुल ओके वर्क कर रहा है ये। और ये है हमारे ओल्ड वाले रॉड, ये ओल्ड वाले स्टार्टर और ये ओल्ड वाली चौक पुराने वाली है। ये अब कई लोगों का सवाल ये भी होता है कि यार ये पुराने रॉड आपने चेक करके क्यों दोबारा लगा के क्यों नहीं देखे। हमेशा याद रखें जब भी चौक ख़राब होगी तो ये चीज़ें लाजमी ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि शॉर्ट होने के बाद डायरेक्ट करंट मिलता है इन चीज़ों को, इस वजह से ये उसी टाइम जल जाती है। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए आपने लगा के चेक करनी हो तो आप चेक कर सकते हैं। शादर नादर हो, कभी हो सका कोई रॉड बच जाए, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि ये जल जाते हैं। आपने इसमें नया ही ला के लगाना है, ठीक है। चौक की प्राइस आपको मैं बता देता हूँ, ये चौक की प्राइस 350 रुपीज़ से लेके 400-500 के करीब भी कोई दे सकता है। ये तो आप डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी की लेके आ रहे हैं, और कंपनी भी की बहुत सारे ब्रांड हैं, वो भी आप मंगवा सकते हैं, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो। अल्लाह हाफिज़।